आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। समय के साथ विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अब स्पेस टूरिज्म भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। साल 2021 स्पेस टूरिज्म के लिए खास रहा, क्योंकि इसी साल जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोगों ने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की थी। इन दोनों अरबपतियों ने अपनी स्पेस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल कर इसकी शुरुआत की थी। अब 2022 में एक बार फिर स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स ने एक बार फिर से स्पेस टूरिज्म की चाहत रखने वालों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। खबर है कि इस टिकट की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए रखी गई है। इस टिकट को लेने के लिए आपको पहले आवेदन देना होगा, और अगर आवेदन मंजूर हो जाता है तो आपको करीब 1.12 करोड़ रुपए एडवांस में जमा कराने होंगे, जिसमें से 18 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल होंगे। खबर है कि कंपनी की योजना नवंबर 2022 तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की है, लेकिन इससे पहले कंपनी अपने पुल में करीब 1000 ग्राहक कर लेना चाहती है। आपको बता दें कि वर्जिन गैलेक्टिक्स के पास फिलहाल केवल एक ही स्पेस प्लेन है, लेकिन कंपनी 2 नए स्पेस प्लेन पर काम कर रही है, जिसे भी जल्द ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं इस स्पेस ट्रेवल की खास बात क्या होगी। खबरों के मुताबिक इस स्पेस ट्रेवल के लिए कंपनी अपने स्पेस प्लेन VSS यूनिटी का इस्तेमाल करेगी। इस स्पेस प्लेन की मदद से यात्रियों को 50,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस प्लेन में 2 पायलटों के अलावा 6 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। इस स्पेस ट्रिप की कुल अवधि करीब 90 मिनट होगी। स्पेस टूरिज्म के इस बिजनेस में सिर्फ रिचर्ड ब्रांसन ही हाथ नहीं आजमा रहे, बल्कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के जरिए इस बिजनेस में उतर चुके हैं। जेफ बेजोस ने भी पिछले साल स्पेस में उड़ान भरी थी। इसके अलावा स्पेस पर्सपेक्टिव नाम की एक कंपनी भी कुछ ऐसी ही योजना पर काम कर रही है। स्पेस पर्सपेक्टिव ट्रैवल के लिए हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का प्रयोग करेगी, जिसमें 8 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा, और यह उड़ान करीब 6 घंटे की होगी। लेकिन इस तकनीक के जरिए ये गुब्बारा सिर्फ 20 मील ऊपर तक ही उठ सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म कितनी तेजी से बढ़ता है।